प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, जय श्री श्याम। गुरुदेव, मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है मूर्ति की, उसका क्या महत्व है? और जो मंदिर के ऊपर गोबंद बनता है, जो ध्वजाएँ लगती हैं, उनका एक क्या महत्व है? उसके अलावा पूरे देश में, हरेक कस्बे में, हरेक गांव में अनेकों मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में अलग अलग तरह की पूजन की विधि होती है, अलग अलग तरह के लोगों की मान्यताएं होती है, अलग अलग तरह के चढ़ावे चढ़ते हैं, उन सब पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सौरभ जी, आपने प्रश्न किया कि मंदिर के संपूर्ण मातम में, पहला आपका प्रश्न था कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या मातम है और उसके पीछे का क्या विज्ञान है, क्या सनातन हमारा अध्यात्म क्या कहता है। मंदिर और मंत्र, ये दोनों शब्द एक दूसरे के व्यापक हैं। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि मंदिर है क्या। मंदिर वो पवित्र स्थल है जहाँ पर हम अपने किसी इष्ट का, अपने भगवान का, अपने देव का, अपने कुल देवों का, हम बैठ करके उनका मन के अंदर में अपना मन का तारक्रम उनके साथ में जोड़ करके मन की भाषा से उनसे संवाद स्थापित कर पाएँ और अपने अंतःकरण में, मन प्लस अंदर, अंतःकरण में, अंदर मतलब अंतःकरण में हम झांक पाएँ। इसी विषय में प्राण प्रतिष्ठा का आपका प्रश्न था। तो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां होती हैं वो सामान्यतः संगमरमर या पत्थर की, काष्ठ की, धातुओं की अलग अलग मूर्तियां होती हैं। ज़्यादातर हमारे भारतवर्ष में जो तत्काल जो काल चल रहा है, इसमें जो मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो पत्थर की यानी संगमरमर की हो रही है। इसमें भी मूर्ति जो बनती है वो सामान्यतः एक कारखाने के अंदर एक मूर्तिकार उसको को अपनी कला से तैयार करता है और जिस देव की मूर्ति बनानी होती है उस देव की उसमें आकृति देता है। यहाँ तक तो ये पत्र है। इसके बाद में हमारे सनातन धर्म में मूर्तियों के अंदर मूर्ति को ऊर्जावान बनाने के लिए उसके अंदर, जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है वैसे ही मूर्ति का स्थूल शरीर है, वो पाषाण होता है, तो उसके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई हैं, उन सबको मंत्रों के द्वारा एकत्रित करके और मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उस मूर्ति के अंदर कुछ न्यास आदि क्रियाएं की जाती हैं। उसमें पहले 7 दिवसीय, 5 दिवसीय, 11 दिवसीय, 21 दिवसीय अलग अलग विधान के अनुसार, अपनी अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार मूर्तियों के अंदर पहले उनको जलाभिषेक, फलाभिषेक, घृत अभिषेक और अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा योग्य प्रबुद्ध जन, पंडित जन इसको पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में भगवान सूर्य नारायण से, साक्षी देव हमारे सूर्य नारायण भगवान हैं और इनसे ऊर्जा के मंत्रों के द्वारा ऊर्जा को मूर्ति के अंदर प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसमें 5 प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह ये 5 प्राण हैं। इन 5 प्राणों को मंदिर की मूर्ति के अंदर प्रतिष्ठित की जाती है। जैसे ही मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है उसके बाद में वो मंदिर की जो मूर्ति है वो जागृत अवस्था में आ जाती है और किसी भी मंदिर की मूर्ति को जागृत रखने के लिए 5 तत्वों का एक विशिष्ट
नियम है पूरी प्रकृति के अंदर, क्योंकि चूंकि ये भूमंडल जो है यहाँ के तीनों लोकों में पंच तत्वों का पूर्ण रूप से प्रकृति में पंच तत्वों का ही आधार है मूल। तो नित्य मूर्तियों के अंदर, जैसे हमारा ये आपके पास में ये मोबाइल है, इस मोबाइल को आप यूज करते हैं बात करने के लिए, कुछ देखने के लिए, तो आप इसको क्या करते हो? एक तो आप इसको रिचार्ज करते हो, जो आप जिस कंपनी का सिम ले रखा है उसी का आप रिचार्ज करते हो, और दूसरा इसके अंदर आपको बैटरी यानी ऊर्जा भी रिचार्ज करते हो। दोनों रिचार्ज जब बराबर होंगे तभी आपका सही से काम करेगा। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स भी लगे हुए, स्क्रीन है जो ये जो इसके अंदर माइक्रो पार्ट जो लगे हुए हैं, उन सब का भी एकदम सही तरीके से वो यदि संचालन सही हो उनका तभी ये सही तरीके से काम करता है। ठीक यही बात आप सामान्य भाषा में समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे नित्य हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमें मूर्ति को भी नित्य पूजन विधि के द्वारा रिचार्ज किया जाता है। इसके अलावा जो हम बात करने के लिए जो पैक लेते हैं, वो जो हमारे विशिष्ट नक्षत्र आते हैं, विशिष्ट समय जो आता है उस कालखंड के अंदर, हमें वो भी एक तरीके से रिचार्ज करना पड़ता है। चूंकि मूर्ति के अंदर पांचों प्राण विद्यमान रहते हैं, इसलिए जैसे हमारे शरीर के अंदर पांचों प्राण है, वैसे ही मूर्ति के अंदर पांचों प्राण है, तो मंत्रों के द्वारा देवों की आहुतियां लगा करके, देवों का जाप करके हम उस मूर्ति को पूर्ण जागृत अवस्था में रखते हैं। मूर्ति आपने प्रश्न किया कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मूर्तियां हैं, कहीं माता जी का मंदिर है, कहीं भैरव जी का मंदिर है, कहीं शंकर भगवान का शिवालय है, कहीं कृष्ण राधा कृष्ण का मंदिर है, लेकिन उन सब में जो पांचों तत्व जो हैं और पांच प्राण हैं वो एक ही ऊर्जा का स्रोत है। अब मूर्ति मंदिर के ऊपर जो गुमंज बनता है जिसको शिखर बोलते हैं हम, और उसके पीछे का रहस्य भी आपके इसी मोबाइल टेक्निक से अगर आप समझोगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ सकता। आपने देखा होगा कि एक शहर के अंदर 5 से 7 मंदिर कम से कम एक गांव कस्बे में होते हैं। ठीक इसी चीज़ को आधुनिक भौतिकता में हम समझें तो एक गांव के अंदर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टावर बने हुए हैं। वो टावर्स क्या करते हैं, वो फ्रिक्वेंसी को अपर जो ऊपर आकाश मंडल के अंदर एक सैटेलाइट के साथ में उनकी एक कनेक्टिविटी रहती है, और वही कनेक्टिविटी हमारे इस मोबाइल के, जैसे आपके पास में वोडाफोन कंपनी की सिम है, आइडिया की सिम है, BSNL की सिम है, एयरटेल की सिम है। समझने के लिए मैं आपको सामान्य भाषा में समझा दूँ, वोडाफोन की सिम को आप श्याम बाबा का मंदिर मान लें, टावर मान लें, एयरटेल की सिम को हनुमान जी का मंदिर मान लीजिए, आइडिया की सिम को आप माता जी का मंदिर मान लीजिए, लेकिन इन सब में जो मूल जो ऊपर जो टावर बना हुआ है, ये जो टावर है वो टावर ठीक उसी सैटेलाइट से संपर्क किया हुआ है। ठीक वैसे ही मंदिर का जो टावर है उसका सैटेलाइट है परम पिता ब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण का, उन सब से इसका नियंत्रण है। तो कहने का मतलब मूल जो टावर है वो है ब्रह्म कृष्ण, उसी से ही सब ओर से ये फ्रीक्वेंसी कनेक्टिविटी है। इसके पीछे का जो मूल राज आप समझना चाहो तो ये है कि उस आकाशीय तत्व से लेकर के इस भूमंडल के तत्वों को एक ऊर्जा में कनेक्ट करना, एक ऊर्जा में उसको पर्याप्त मात्रा में लेना, इसी को ये दर्शाता है। उसके बाद में आपने कहा कि पताका ध्वज, तो ध्वज जो है ये मंदिर के ऊपर जो हमारे टावर के ऊपर जो लगती है, जो मंदिर का शिखर है उस पर जो लग रही है, ठीक वैसे आपने देखा होगा
कि टावर के ऊपर भी बहुत सारे छतरियां वगैरह लगी रहती हैं। उन टावर का काम है आकाश तत्व की ओर इंगित करना, हमें ऊर्ध्वामुखी होना। और आपने अग्नि को देखा होगा जलते हुए, तो अग्नि हमेशा ही ऊर्ध्वामुखी रहती है, ऊपर की ओर, आकाश तत्व की ओर जाएगी। जल को आप देखोगे तो वो हमेशा ही अधोमुखी होगा, उसका मुख नीचे की ओर चलेगा। वायु यानी जो हवा है वो हमेशा ही चारों तरफ घूमेगी। आप हवा को यहां छोड़ोगे तो इसमें पूरी फैल जाएगी। वैसे ही जो धरती है, धूप है, मंडल है, ये स्थिर है। धरती को आप अस्थिर नहीं देखोगे, एकदम बिल्कुल स्थिर रहेगी। और जो आकाश तत्व है वो भी एकदम स्थिर है। आकाश आदि काल में भी यही था, आज भी यही है। धरती उसी समय यही थी, लेकिन हवा बदल रही है, समय के अनुसार हवा बदल रही है। तो इस धरती से उस आकाश तत्व का कनेक्टिविटी करने का एक जो जरिया है वो है टावर। और इसमें जो एनर्जी का लेवल का काम करता है, ऊर्जा का जो काम करता है, वो है देव की पताका। तीसरा प्रश्न था आपका कि मंदिरों के अंदर जो भिन्न भिन्न उत्सव होते हैं, भिन्न भिन्न उन सब का क्या महत्व है। तो इसके पीछे भी एक विज्ञान छिपा है, अध्यात्म विज्ञान भी छिपा हुआ है कि हम जब जब किसी ग्रह नक्षत्र योग कर्ण इनका जब विशिष्ट समय आता है, तब ये आकाशीय तत्व में जो खगोल विज्ञान के अंदर जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं ये सब अनुकूल होते हैं, तब उस समय इस भूमंडल से वो कनेक्टिविटी विशिष्ट रहती है। तो उस समय जब हम किसी प्रकार से कोई अनुष्ठान, कोई विशिष्ट जो कार्य करते हैं भगवान के मंदिर के निमित्त, तो वो एनर्जी लेवल विशिष्ट प्रदान करता है। और मूर्तियों के अंदर जो आम भगतजन जो जाते हैं, इसका भी एक अलग महत्व है, परिक्रमा का भी अलग महत्व है। और मूर्तियों से हमें भगवान के साथ संवाद बनाने का भी एक अलग महत्व है। मंदिर के अंदर बहुत सारी विशेष बातों का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर में जाते समय हमें एक पहला जो सूत्र है वो हमें एकदम पूर्ण स्वस्थ साफ सुथरा स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के ही मंदिर में जाना चाहिए। क्योंकि जब हम शयन करते हैं या सोच आदि क्रियाएं करते हैं तो हमारा शरीर के अंदर अशुद्धि का भाव आ जाता है। और ऐस किसी शुद्ध सात्विक स्थान पर हम जब जाते हैं तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा और हमारी ऊर्जा जब एक दूसरे से रिफ्लेक्स होती है, तो अगर हमारी नेगेटिविटी ऊर्जा है, हमारी जो असोच अवस्था है, तो उस समय वो ऊर्जा है तो वो हमारे ऊपर वो रिएक्ट नहीं कर पाती, वो असर नहीं दिखा पाती जो हमें मूल रूप से जिस उद्देश्य से हम जाते हैं। मंदिर के अंदर लगी हुई घंटी की जो नाद है वो हमें भगवान के दरबार में जाकर के उस जब नाद के नीचे खड़े होकर के हम घंटी का ध्वनि का हम सुनते हैं, तो हमारे मन की जो वृत्ति है, मन जो इधर उधर हमारा कहीं जा रहा है, तो वह एक स्थिर होने लगता है। और परिक्रमा के विषय में ऐसा कहा जाता है कि हम भगवान के जब परिक्रमा लगाते हैं तो जो एनर्जी लेवल है जो मूर्ति के अंदर जो एनर्जी, वही एनर्जी लेवल हमारे चारों ओर उसी की एक विशिष्ट, जब हम गति में हम भगवान की बाहर परिक्रमा निकालते हैं तो वही ऊर्जा हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको खत्म करके पॉजिटिविटी पैदा करती है। भगवान की मूर्ति के सन्मुख जब भी जाएं तो विशिष्ट तौर से बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला,
कि भगवान के सन्मुख कभी भी हमें ऐसा जो हम असुचि अवस्था में न जाए, मूर्ति के सामने किसी प्रकार का हास्य परहास्य द्वेष राग, चूंकि वो एक सचेत और जागृत अवस्था की मूर्तियां होती हैं, तो उनमें हमेशा ही श्रद्धायुक्त भाव से हमें मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में किसी प्रकार से जैसे मोबाइल पे बात करना या अनर्गल बातें करना, किसी के विषय में बात करना, सिर्फ भगवान के विषय में बात होनी चाहिए। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सन्मुख कभी किसी भी पंडित जी को या किसी भी अन्य अपने उनको कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का एक तरह से मूर्ति के सामने अगर हम किसी वृद्धजन को प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, तो मूर्ति का कहीं ना कहीं जाकर के एक उपहास होता है। क्योंकि मंदिर में मुख्यतः मूर्ति का ही प्रभाव है, भगवान की जो मूर्ति है उसी की ही सब कला है, तो हमेशा इस विषय का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई विशिष्ट जन है तो उनको आदर भाव से नमन करना चाहिए, इतना ही भाव रखना चाहिए। इसके अलावा मूर्ति के सन्मुख हमें सन्मुख होकर के, खास करके जब आरती हो तब हमें थोड़ा सा एकदम एकटक रूप से हमें जो एनर्जी का प्रभाव होता है, जब आरती होती है उस समय एनर्जी का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा एक साथ में केंद्रित होता है, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा अगल बगल में हो जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल सन्मुख नहीं होना चाहिए। पांचवी बात यह है कि मूर्ति के अंदर जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध भाव से हमारे मनोदशा को ध्यान में रख करके होने चाहिए। छठा, हमें मूर्ति के सामने पैर फैला करके कभी नहीं बैठना चाहिए। जब मंदिर में जाएं तो भगवान को पीठ दिखा करके कभी नहीं जाना चाहिए, और जब मंदिर से हम परिक्रमा दे करके प्रणाम करके दंडवत करके भगवान से जब हम आशीर्वाद लेकर के जाएं तो हमेशा ही मंदिर के बाहर जो सीढ़ियाँ बनी रहती हैं या बैठने की थोड़ी व्यवस्था है तो 5 मिनट बैठ करके जाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी है, हमारा जो मन है वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाए। ये एक विज्ञान साथ में हमें ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर बहुत सात्विक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्थल है, उसकी पवित्रता का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और मंदिर में हमेशा शुद्ध सात्विक भाव लेकर जाएं और श्रद्धायुक्त भाव से जाएं। वहाँ पर भगवान का साक्षात्कार अगर हमें करना है तो हमें अपने विचारों को, अपने भावों को पूर्ण रूप से शरणागत भाव होना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार का दम अहंकार या अपने आप का किसी प्रकार से जो पद प्रतिष्ठा है उसका कभी दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति हमारे परमात्मा के अधीन है। इसलिए मूर्ति के अंदर जो परमात्मा का अंश स्वरूप में जो ऊर्जा है उसको ध्यान में रख करके हमेशा ही मूर्ति को उसी भाव और उसी नमन के साथ में मन में भाव रखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री गुरुदेव। अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया था जो कि था शिवालय, तो मैं जानना चाहूँगा शिवालय का अर्थ क्या है और मंदिर और शिवालय में क्या अंतर है गुरुदेव? शिवालय शब्द है भगवान शंकर की, जो पूजन का विशिष्ट जो स्थल बनता है वही शिवालय है। शिव का आलय, शिव का जो वो निवास, शिवालय का संधि विच्छेद करेंगे तो शिव का निवास। शिवालय के अंदर भगवान शंकर को पिंड स्वरूप में यानी लिंग स्वरूप में स्थापित किया जाता है, और इसी पिंड के अंदर भगवान शंकर का पूर्ण रूप से भाव लेकर के हम उनकी पूजन करते हैं। तो शिवालय जो है वह शंकर भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के रूप में हम भगवान की एक, हम तीनों देवों में
एक शंकर भगवान जिनको रुद्र कहते हैं, जिनको संप सदाशिव कहते हैं, जिनको शिव कहते हैं, जिनको आदि अनादि महादेव कहते हैं, वो महादेव के जो पूजा स्थल है उसी का नाम शिवालय है। जी गुरुदेव, गुरुदेव एक हमारे देश में हमारे पृथ्वी लोक पे लाखों करोड़ों मंदिर हैं, तो उन सभी मंदिर का अपना अपना अपने अपने स्थान पर अलग अलग महत्व है, तो ऐसा क्यों है कि कई कई मंदिरों का महत्व ज़्यादा है तो कई मंदिरों का महत्व कम? जिस मंदिर में सात्विक आहार विहार होगा, मंदिर के नियमों से नित्य पूजन की विधि सही समय पर होगी और जो मंदिर के अंदर व्यवस्था करने वाले हैं, पुजारी गण हैं, मंदिर की कमेटी वाले हैं, मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन सब यदि मंदिर के अंदर समय समय पर मंदिर की अंदर ऊर्जा जो स्रोत है उसको जागृत रखने के लिए हवन आदि भजन कीर्तन आदि समय समय पर जिस जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ का ऊर्जा स्रोत मंत्रों के द्वारा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। साथ में मंदिर में नित्य की जो सेवा है वो विशिष्ट रूप से समयबद्ध और श्रद्धावत होनी चाहिए, इसी से ही मंदिर के अंदर ऊर्जा का स्रोत हमें मिलता है। जैसे हमारी भाषा में कहा गया है, जितना हम चीनी डालते हैं उतनी मिठास बढ़ता है, ठीक वैसे ही मंदिर के अंदर जिस भाव और जिस श्रद्धा से हम पूजन करते हैं और नित्य नियम से हम जो कार्य करते हैं, समयबद्ध कार्य करते हैं, तो उसी से मंदिर के अंदर ऊर्जा और मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। जहाँ मंदिरों में सुबह शाम पूजा का या विधान से नहीं होता, मंत्रोच्चारण के द्वारा हवन के द्वारा जो मूर्तियों के अंदर ऊर्जा है वो सही ढंग से नहीं किया जाता, तो वहाँ का ऊर्जा लेवल कम होता है और उसी वजह से उस मंदिर के अंदर पूर्ण रूप से वो ऊर्जा काम नहीं करती। इसलिए मंदिर में जिस मंदिर की ज़्यादा जहाँ पर प्रतिष्ठा है तो वहाँ पर विशिष्ट रूप से सेवा अर्चन एक समयबद्ध और कर्तव्यनिष्ठ भाव से होनी चाहिए। एक विषय में और बताना चाहूँगा कि एक मूर्तियाँ होती हैं जो हम किसी मूर्तिकार से बनवाते हैं, एक मूर्ति स्वयंभू होती है जो अपने आप प्रकट होती है। जो स्वयंभू मूर्ति होती है उस मूर्ति, जैसे भारतवर्ष में हमारे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में स्वयंभू मूर्ति है, अपने आप प्रकट हुई है। हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें ज्योतिर्लिंग, तीन ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो स्वयंभू हैं, और जैसे अमरनाथ हम जाते हैं तो अमरनाथ में जो बर्फानी बाबा जो हमारे वो स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं, वो अपने आप प्रकृति के द्वारा बनती है। तो जो स्वयंभू मूर्ति होती है वो स्वतः ही अपनी ऊर्जा को लेकर के प्रकट होती है और उसमें विधान का उतना महत्व नहीं रहता, क्योंकि वो ऊर्जा के पूर्ण रूप से स्रोत से निहित रहती है। इसलिए ये भी ध्यान में रखें, जो स्वयंभू मंदिर हैं, जो मूर्तियां हैं स्वयंभू मंदिर की मूर्तियां हैं, उनका एक विशिष्ट स्थान रहता है और जो प्रतिष्ठित मूर्तियां, जो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा मूर्तिकार उसमें विशिष्ट तौर से जहाँ पर जिस भाव और जिस श्रद्धा से पूजन होती है उसी भाव से वो मूर्ति आगे जा करके अपना असर दिखाती है, उसी से भक्तों के कार्य सब सफल होते हैं, भगवान की कृपा वहाँ से। जय श्री श्याम।